Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start with the analysis of Nifty and Bank Nifty और देखते हैं कि कल कहां पर momentum हो सकता है because पिछले पूरा week Nifty और Bank Nifty ने एक range में spend किया. So सबसे पहले start करेंगे Bank Nifty से और daily time frame पे जाकर देखते हैं कि Bank Nifty अभी Bank Nifty किन areas पे है और क्या Bank Nifty में setup ready है. So, बैंक निफ्टी का अगर देखें और इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमारी इस बारे में बात हुई थी कि बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है और 41,650 इस एरिया से ऊपर जब तक बैंक निफ्टी रुका हुआ है तब तक बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है. सो बैंक निफ्टी अभी के लिए एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है. फ्लैग पैटर्न में अगर देखें कि दिस वॉज द पोल एंड दिस इज द फ्लैग. सो बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अ गुड एरिया जहां पे बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट के लिए ट्राई कर सकता है. अभी ब्रेकडाउन, हाँ ब्रेकडाउन भी डेफिनेटली हो सकता है. ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन के लिए हम प्लान नहीं कर सकते, बट यस अभी के लिए जिस हिसाब से बैंक निफ्टी होल्ड कर रहे हैं सो लुक्स लाइक अ ब्रेकआउट. लेकिन ब्रेकडाउन की कंडीशंस के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या ऐसी कंडीशंस है कि जिसमें ब्रेकडाउन के लिए हम ट्राई कर सकते हैं. सो 15 मिनट्स पे जाते हैं, इंट्राडे चार्ट चेक करेंगे कि इंट्रा डे में या कहां पर ओपनिंग हो तो हमें बैंक निफ्टी में क्या काम करना चाहिए. सो तीन तरीके से ओपनिंग हो सकती है कि गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन. सो अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है एंड गैप अप ओपनिंग दैट टू अबव 42,300 से ऊपर की तरफ अगर ओपन करता है बैंक निफ्टी, विल बी जस्ट वेटिंग के दो चार पांच मिनट इधर वेट करना है. अगर बैंक निफ्टी यहां से होल्ड कर रहा है तो ब्रेकआउट पे प्लान किया जा सकता है. आज भी हमने एक बुलिश साइड का ट्रेड लिया था जिसमें हमने टारगेट्स जो रखे थे 42,364 के टारगेट्स थे और उसके बाद जो अगला टारगेट था बैंक निफ्टी में 42,440. तो ऑलमोस्ट हम बैंक निफ्टी में, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी अगर यहां से ऊपर की तरफ निकल के जा रहा है तो बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली 42,365 के जो रेजिस्टेंस एरियाज है उनको ब्रेक करके पहला जो टारगेट हिट करने वाला है बैंक निफ्टी दैट इज 42,440 and 500. बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स होता क्या है कि जब कभी भी एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर के पास प्राइस पहुंचता है और उससे पहले ही जस्ट रेजिस्टेंस भी होती है तो साइकोलॉजिकल नंबर को हिट करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं. तो 42,500 तक भी एक्सटेंड कर सकता है बैंक निफ्टी. फ्लैट ओपन करता है, यहां पे हम वेट करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी इधर इट शुड गिव अ ब्रेकडाउन या फिर यहां से ब्रेकआउट. पे ब्रेकआउट होगा तब भी हमें 300 से ऊपर की तरफ एटलीस्ट हमें ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे. ब्रेकडाउन अगर होता है, ब्रेकडाउन के केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज बैंक निफ्टी में 42,120 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं अभी के लिए. यहां से एक ब्रेकडाउन मिला था कल भी लेकिन इमीडिएटली बैंक निफ्टी ने यहां से अपसाइड मूव किया और इस एरिया को एज सपोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया. 42,120 एंड 42,100 ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बैंक निफ्टी के. अगर इससे नीचे की तरफ अगर फ्लैट ओपन करके भी नीचे निकल के आता है तो हम यहां पे एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर कॉल सेल भी हम वहां पर कर सकते हैं. लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपनिंग के केस में आपको आपके पास एक बहुत क्लियर रेजिस्टेंस दिखेगी और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेते ही लाइक अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल भी बेयरिश बन रही है हम वहां पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं. पहला जो टारगेट है हमारा 42,000, ऑल्दो 42,000 बहुत पास में है लेकिन फर्स्ट टारगेट 42,000 रहने वाला है. 42,000 के इमीजिएटली बाद जो हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया निकलता है दैट इज 41,850-860. ऑलमोस्ट ये हमारे टारगेट्स हमें लोअर लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं तो हम उसके लिए बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं. सो डिपेंड करता है कि गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है या फ्लैट ओपन हो रहा है. बट एक लाइक पूरा प्रीवियस वीक पूरा एक रेंज में स्पेंड हुआ है तो चांसेस हैं बैंक निफ्टी के कि एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है और एक एटलीस्ट थोड़ा सा बड़ा मूव, थोड़ा लंबा मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में. सो अभी मूव करते हैं निफ्टी की साइड और निफ्टी में देखते हैं कि किस हिसाब से काम चल रहा है और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं. डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे. डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहां पर देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी 17,590 का एक सपोर्ट है.
मल्टीपल टाइम्स यहां से सपोर्ट पिक कर चुका है, एटलीस्ट 3 बार हो चुका है कि निफ्टी ने इसी एरिया से सपोर्ट पिक किया है। तो अभी के लिए हमारे पास बहुत क्लियर एक एरिया मिल जाता है कि जहां पे हम निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, कि अगर कल निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट्स में अगर कल निफ्टी 17,585-590 इस एरिया से नीचे की तरफ निकल के जाता है तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहने वाला है दैट इज 17,520। इन एरियाज पे दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट अगर अगर निफ्टी इन एरियाज को ब्रेक करके निकलता है नीचे की तरफ, ठीक है। वी वांट कैंडल क्लोज, उसके बाद निफ्टी में 17,520 तक के टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो एक छोटा सा हमारे पास यहां पर भी सपोर्ट एरिया, बट मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करके 17,520 एरियाज पे निकल के आ सकता है। निफ्टी का देखिए बाइंग साइड पे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है बिकॉज निफ्टी में रेजिस्टेंस एरियाज बहुत है। अब रेजिस्टेंस एरियाज की मैं बात करूं तो सबसे पहला तो रेजिस्टेंस एरिया आपको यहीं पर दिख जाएगा 17,660-650 के अराउंड। अगर एक और रेजिस्टेंस एरिया देखें कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया दिखेगा निफ्टी में दैट इज अराउंड 17,690 एंड 17,700। तो निफ्टी में अपसाइड जो मूव है वो आपको 17,700 के ऊपर की तरफ थोड़े सा ऐसा स्पेस है, थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहां पर निफ्टी फ्रीली मूव कर सकता है। उसके बीच में निफ्टी के पास ज्यादा स्पेस नहीं है, बैक टू बैक रेजिस्टेंस एरियाज हैं। तो अगर बाइंग साइड पे निकलता है आई वुड से कि बैंक निफ्टी लुक्स बेटर, और अगर नीचे की तरफ निकल रहा है 17,590 तो फिर हम प्राइस एक्शन चेक करके देख सकते हैं बिकॉज बैंक निफ्टी भी सही दिख रहा है नीचे के लेवल्स के लिए एंड निफ्टी भी सही दिख रहा है। तो मैं कल अगर मार्केट सपोज बाइंग साइड पर निकलती है मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा, डाउन साइड पर निकल रही है तो वील सी के प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है उसी के बेस पे, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कर रहे हैं, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, फिर आपका इन्फी, TCS, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कर रहे हैं निफ्टी के, और बैंकिंग स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, उसके बेस पे हम फिर डिसाइड करेंगे इंट्राडे में कि किस हिसाब से हमें एंट्रीज लेनी है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, सो सी यू टुमारो इन लाइव स्ट्रीम एट 9 AM। बाय बाय एंड टेक केयर।